गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले, आप लोग जो स्टार्टिंग की वीडियो से जान गए होंगे हम लोग किस बारे में बात करने वाले। तो गाइस हम लोग का प्यारा एंड चहेता आ चुका है जो पबजी है, वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नेम से। बट गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा यूट्यूब पे ये सब वीडियोस चल रही हैं। कोई कह रहा भाई कल आ रहा, परसों आ रहा, नरसों आ रहा है, ये चीज है वो चीज है, भाई मतलब पता नहीं कितनी वीडियोस बन चुकी है और कितना वो लोग व्यूज पा चुके हैं, कुछ नहीं। और उन वीडियो में कुछ भी नहीं है भाई, केवल कोई डायनमो की क्लिप चला रहा है, कोई क्रॉन्टन की चला रहा है, या फिर कोई किसी की स्काउट की चला दे रहा है, मॉर्टल की चला रहा है, कुछ भी दिखा रहा है भाई, कोई जेन्युइन वीडियो नहीं है। बट कैसे क्या रियलिटी है, क्यों नहीं आ रहा पबजी अभी, मतलब ये जो अर्ली एक्सेस है ये क्यों नहीं हटा है, एंड जो ओरिजिनल गेम है मतलब ऑफिशियली प्ले स्टोर पे क्यों नहीं आया सबके लिए, एंड iOS में क्यों नहीं आया, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस जो मेन रीजन है वो मैं आप लोग को इस वीडियो पे बताऊंगा। और उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पे होने वाले हैं अच्छे से कस्टम रूम्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से। एंड गाइस साथ ही होने वाले हैं बहुत ही अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली, आप सब लोग साथ में खेलना चाहेंगे या रूम खेलना चाहते हैं एंड गाइस कस्टम रूम्स ये सब खेलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो गाइस बात करते हैं गेम के बारे में। तो गाइस गेम लॉन्च हुआ एंड अर्ली एक्सेस मिला, सब लोग ने खेला, एंड्रॉइड यूजर्स ने, जितने स्ट्रीमर्स थे उनको ये चीज कहा गया। देखो भाई स्ट्रीमर जो है उन लोग की ऑफिशियली बात होती है, जैसे डायनमो है, क्रॉन्टन है, स्काउट है, बड़े बड़े जो है जो पहले से इस फील्ड में है एंड पबजी से ही बने हैं सब कुछ, तो उन लोग को पबजी वाले गिफ्ट भी भेजते हैं एंड सब कुछ। तो गाइस इन लोग की क्राफ्टन वालों की ऑफिशियली बात होती है। तो इन लोग ने कहा भाई आप लोग गेम खेलिए, आप लोग को जो भी ग्लिचेस दिखाई देते हैं तो आप लोग हमको बताइए, हम लोग उसको अर्ली एक्सेस इसीलिए दिया गया है कि आप लोग उसे खेलिए, उसमें क्या क्या ग्लिचेस हैं, क्या चीज मतलब सुधार करनी चाहिए, क्या चीज नहीं सही है, वो चीज आप लोग बताइए, फिर उसको सही करा जाएगा, फिर गेम आएगा ऑफिशियली। ये चीज मेन रीजन है। बट गाइस सबने क्या कहा, मतलब कोई कहने लगा कि अर्ली एक्सेस आया है बस तुरंत गेम आ जाएगा ये चीजें, तो गाइस ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। और कोई कह रहा कि आज आ रहा कल आ रहा परसों आ रहा, तो भाई इतना आसान नहीं होता, कोई गेम है जैसे इतना बड़ा गेम है और गाइस उस पर कोई चीज सही करना, जैसे कि आप लोग ने एक प्रॉब्लम देखी होगी जो साउंड प्रॉब्लम है, गाइस आप फायर करते हैं या कुछ है तो थोड़ा साउंड लेट आता है इस टाइम आ रहा है, ये जो BGMI आप खेल रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो गाइस इसमें ये प्रॉब्लम है। तो गाइस ये सब चीजें सही करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पूरा गेम में हर चीज चेंजेस लानी है एंड और भी कई ग्लिचेस हैं, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, ये चीजें सिनर्जी चाहिए, तो गाइस इस पे भी वर्क किया जा रहा है। बाकी चीज आपको तो मिल चुकी, लगभग अगर बात करी जाए तो 80-90% तक डाटा आप लोग को पूरा वापस आ चुका है। कुछ गाइस शायद कुछ लोगों की मैकलेरन वाली जो क्रेट ओपनिंग थी वो नहीं आई है बस, गाइस बाकी सब कुछ आ चुका है। एंड गाइस अभी प्ले गेम्स वाला थोड़ा सा दिक्कत है, प्ले गेम्स आईडी नहीं हो रही है, तो गाइस उसके लिए भी कुछ कर रहा है क्राफ्टन। और जो और बताया जा रहा है गाइस, कुछ लोग रूमर्स आ रही हैं कि टेक्निकल गुरु जी ने भी एक वीडियो बनाई कि मतलब क्या चीज जो है चाइना डाटा जो है ये चाइना में लीक हो रहा है। तो गाइस अभी ऐसा कुछ मतलब कह नहीं सकते भाई कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, बट गाइस क्राफ्टन अगर गेम ला रहा है इतने दिन बाद तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डाटा होगा वो वही तक रहेगा। और वैसे भी प्राइवेसी पॉलिसी सब चेंज हो चुकी है, अब केवल आपका जो मतलब सिंक रहता है वो बहुत कम ही चीजों से हो चुका है, केवल ऑडियो का लेता है और यही सब चीजें हैं, ज्यादा नहीं लेता है।
और मतलब पूरी हर जगह का आपको अलाउ नहीं करना पड़ता है जो प्राइवेसी आपसे पूछता है। तो गाइस ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपका डाटा चोरी हो रहा कुछ भी नहीं है। एंड गाइस जो ओरिजिनल चीज है वो क्राफ्टन खुद ही आगे आके बताना चाहिए, ये चीज उसको मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए ऐसा है कि नहीं है। कोई भी मतलब एक मीम बना दिया या पोस्ट कर दिया ऐसे, तो ये नहीं है कि डाटा चोरी ही हो गया। तो गाइस ये चीजें हैं, और गाइस मेन बात ये है आप लोग भी गेम खेलिए, जो अर्ली एक्सेस मिला अगर आपको मिल गया तो आप लोग खेलिए। एंड गाइस थर्ड पार्टी से ज्यादा भी ना डाउनलोड करिएगा, वरना अगर आईडी में कुछ हो जाएगा फिर आपको नहीं मिल पाएगी आईडी, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको, आपने जो पैसा वैसा लगाया होगा यूसी में वो सब वेस्ट हो जाएगा, या जो आपकी चीजें निकली होंगी आउटफिट इन्वेंटरी सब में, तो ये सब बेकार हो जाएगा। बेसिकली आप लोग गेम खेलिए अच्छे से, आप मतलब जैसे खेलते हैं वैसा आप खेलिए, अपने स्क्वाड के साथ खेलिए, डुओ सोलो जो खेलते हैं वो खेलिए, एंड हर चीज खेलिए, हर मैप खेलिए, एंड हर चीज एक्सप्लोर करिए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपका जो फेवरेट स्ट्रीमर है, जैसे कि आप मतलब किसी ना किसी को तो भाई फॉलो ही करते हैं सब लोग, कोई डैनमो मॉर्टल किसी को, तो उनको आप टैग कर सकते हैं, टैग कर देंगे तो वो लोग देख लेते हैं स्टोरी। आप डीएम करेंगे तो डीएम पॉसिबल नहीं है कि हर एक का देखना, बट आप अगर करना चाहते हैं तो दोनों चीज कर सकते हैं। तो गाइस ये आप टैग उनको कर देंगे तो वो चीज वो क्राफ्टन वालों को बता सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑफिशियली बात होती है तो वो ग्लिचेस दूर हो जाएंगे। बाद में इतना पॉसिबल नहीं है फिर से गेम हटाना, फिर से वो फिर जब अपडेट आएगा तब पर ये चीजें सही हो, बट गाइस अभी वर्क चल रहा है इसी पे। आप लोग को जो भी ग्लिचेस दिख रही हैं कहीं पे भी, आपको जैसे कोई भी दिख रहा है कोई मतलब बंदे मार रहे हैं डैमेज इन सब में, नहीं सही आ रहा गेम, नहीं सही आ रहा पिंग, नहीं सही आ रही है कोई भी चीजें, तो आप लोग उनको बताइए, मेंशन करिए, टैग करिए, ट्विटर पे करिए, कहीं पे भी आप करिए। तो गाइस उन लोग को अगर वो चीज पता चल जाएगी, अगर वो लोग देख लेंगे तो वो लोग बता देंगे। तो गाइस बेसिकली यही चीजें हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको बताने ग्लिचेस क्या है। ये अर्ली एक्सेस का मतलब ये मेन नोटिव यही है कि जो गेम आया है उसमें क्या क्या ग्लिचेस हैं वो सब आप लोग बता दीजिए, फिर गेम को अपना हिसाब से वो मॉडिफाइड कर देंगे जिससे वो ग्लिचेस ना रह जाए, एंड देन फाइनली गेम आ जाएगा। और गाइस अभी कोई भी डेट नहीं है कि आज आ रहा, कल आ रहा, परसों आ रहा, कोई भी नहीं है कि iOS में 12 बजे को आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, और Android में 10 बजे आ रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है ऐसे। तो गाइस जो क्राफ्टन था पहले उसने अर्ली एक्सेस केवल स्ट्रीमर्स को दिया, फिर उसने थोड़े स्लॉट्स और बढ़ाए तो और भी बहुत से लोग डाउनलोड कर पाए। सेकंड डे फिर तुरंत ही विद इन 24 आवर्स के बीच में ही उन्होंने दे दिया कि आप सब लोग और भी खेल लीजिए, बहुत से स्लॉट्स आ गए, कुछ ही लोग बाकी रह गए जो नहीं अभी ट्रांसफर हो पाए हैं, मतलब शिफ्ट नहीं हो पाए वीडियो में पे, बट 75% तो मैं कहूंगा ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं भाई बहुत सी मतलब ज्यादा ही अंदर से वो कि भाई बस खेलना है, बहुत एक साल लगभग हो गया है आने में और खेला नहीं है, अच्छी पिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भाई जो जिनको मिल गया अर्ली एक्सेस वो डाउनलोड कर लिए, नहीं मिला तो जिसके पे आया उससे गेम ले लिया, ये सब चीजें हैं। गाइस मेरे पे आया, मैंने ऐसे खेला था मतलब थोड़ा सा खेला, क्योंकि मेरे पास जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो इतना अच्छा नहीं है, एंड गाइस iOS यूजर हूँ मैं, इसी पे खेलता हूँ, अभी मैं ग्लोबल वर्जन ही खेल रहा हूँ। एंड गाइस स्ट्रीम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पिंग इश्यूज बहुत है, पिंग इश्यूज जैसे सही हो जाएंगे फिर स्ट्रीम डेली हो जाएगी। एंड गाइस आप लोग फेसबुक पे भी अगर हम लोग का जो गेमिंग पेज है उस पे आना चाहते हैं वहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि दिन में दो बार स्ट्रीमिंग होगी, एक टाइम हम लोग करेंगे यूट्यूब पे एंड सेकेंड टाइम करेंगे फेसबुक पे, दोनों पे कस्टम रूम्स ये सब कुछ होंगे ऑर्गेनाइज। तो गाइस जल्दी सो जाइए। एंड गाइस टूर्नामेंट्स अगर आप लोग करवाना चाहते हैं हम लोग के चैनल पे, एंड आप लोग खेलना चाहते हैं ऑफिशियली, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, तो गाइस कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा, एंड चैनल को भी उसी तरह सपोर्ट करिएगा, क्योंकि गाइस जब ऑडियंस रहेगी तभी आप लोग ज्यादा रिकॉग्नाइज हो पाएंगे, आपके चैनल पे लोग जा पाएंगे, आपका अगर गेम प्ले देखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे कस्टम में, तो ये चीजें हैं। तो गाइस बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग मतलब कोई भी ये नहीं भाई कोई बता रहा है डैनमो की फोटो लगा दी 12 बजे आ रहे हैं बस आ रहे हैं, मतलब हजारों व्यूज आ रहे हैं, तो गाइस क्या मतलब, ऐसे मतलब कोई चीज नहीं है गाइस। आप लोग सही न्यूज की तरफ जाइए, 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो है, वो लोग सब केवल क्लिकबेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो गाइस जो ऑफिशियली चीज है गेम आने में अभी टाइम लगेगा थोड़ा, अगर मतलब
थोड़ा क्या है, अगर काम कर लिया होगा क्राफ्टर में तो जल्दी भी आ सकता है, अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा लेट भी लग सकता है। बट गाइस जो ग्लिचेस हैं वो ठीक होके ही आएंगे, और आई होप जितना आप लोग ने सब लोग ने बता दिया होगा अपने स्ट्रीमर्स को, या स्ट्रीम जो देखते हैं सब लोग जो खेल रहे हैं स्ट्रीमर्स, उन लोग ने अपने ओपिनियंस रख दिए होंगे, वो सब चीजें सॉर्ट आउट कर रहा है क्राफ्टन। एंड जो डाटा का वो लीक आ रहा है जो चाइना वाला, उसके बारे में भी बात हो ही रही होगी, क्राफ्टन कुछ ना कुछ आके बताएगा ही अपने ऑफिशियल पे। एंड गाइस तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, वरना गाइस जो आगे होगा वो तो किसी को भाई पता नहीं है, किसी के कहने से नहीं मतलब कोई वीडियो बना दिया कि बैन चाइना ये, तो बैन नहीं हो जाएगा। तो गाइस इतनी चीजें हैं, तो गाइस वीडियो में पेंट करते हैं। एंड जय हिंद जय भारत।